अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो ये लैटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी। इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई। गौरतलब है कि लेटरल एंट्री को लेकर यूपी ने विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर काफी ज्यादा मुखर थे, तो वहीं राहुल गांधी, मायावती और चंद्रशेखर ने भी लेटरल एंट्री पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अखिलेश ने तो मीडिया से बात करते हुए यूपीएससी में सीधी भर्ती पर सरकार को घेर ही लिया था। जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं, संविधान की कैसे धज्जियां उड़े, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें, अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो ये लैटरल एंट्री का खेल चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। न इसमें आरक्षण है, न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है। अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल चुनाव के समय हम लोगों ने पूछा था, मन से रखा था, हम और आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में नैनो यूरिया खरीदवा दी गई। सुनने में ही आ रहा है, हो सकता है ये बात आपकी भी जानकारी में हो कि नैनो यूरिया वाले भी लेटरल एंट्री से आए थे। नैनो यूरिया से कोई किसान को लाभ पहुंचा है और अभी तक कोई सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो, और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़ कर। सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि अखिलेश ने सोशल मीडिया पर भी लेटरल एंट्री के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसके खिलाफ 21 अगस्त को बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा था कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। आपको बता दें कि जब से अखिलेश ने 21 अगस्त का ऐलान किया था तभी से सोशल मीडिया पर 21 अगस्त भारत बंद लगातार ट्रेंड भी कर रहा था। अब सरकार के सीधी भर्ती के विज्ञापन को वापस लेने के ऐलान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष के इस बड़े आंदोलन के ऐलान से सरकार बैकफुट पर आ गई और इस विज्ञापन को वापस ले लिया। बता दें कि कार्मिक मंत्री ने पत्र में कहा है कि सरकार ने ये फैसला लेटरल एंट्री के व्यापक पुनः मूल्यांकन के तहत लिया है। इस पत्र में कहा गया है कि अधिकतर लेटरल एंट्रीज 2014 से पहले की थीं और इन्हें एडहॉक स्तर पर लिया गया था। प्रधानमंत्री का विश्वास है कि लेटरल एंट्री हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के समान होनी चाहिए, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।